इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपल्यती इंदौर। सन में विपुल साहित्य योग के मत का है। सबसे पहले हमारे आचार्य कुंदकुंद देव ने अपनी योगी भक्ति के अंतर्गत तीन योगों का वर्णन किया है, ग्रीष्म योग, वर्षा योग, शीत योग। तत्वार सूत्र में योग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि योग दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म का आश्रय कराने वाला योग होता है, तो वहीं पर दूसरा योग शुभ कर्म साता वेदनी का आश्रय बंद कराने वाला होता है। उस योग के लिए क्षमा शांति योग समाधि का एक पर्यायवाची बताया गया है। आचार्य स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने ग्रंथ में योग का बहुत विशेष वर्णन स्वामी कार्तिकेय अनुपरीक्षा में किया है। अनुपरीक्षा ग्रंथों में योगों का वर्णन मिलता है और योग शब्द से हम सबसे पहले एक चिंतन कर लें कि जैन दर्शन का सबसे बड़ा योग का ग्रंथ ज्ञानार्णव ग्रंथ है, जिसे आचार्य सुपचंद्र जी ने लिखा है। योग हमारे यहाँ जैन दर्शन में योग को सबसे पहले माना गया, इसलिए उन्होंने कहा है योग सार एक ग्रंथ है। जिस योग सार ग्रंथ में ये कहा गया है जो जाने, उन्होंने ये कहा है नित्य निरंजन नानमति परमप्य नवेवी। योगी वही होता है, महायोग धारण करने वाला वही होता है जिसके अंदर से क्षमा और इसके पंथ करुणा हो। क्षमा जिसकी सखी होती है, क्षमा करुणा साथ में जिनके चलती है, वह महायोगी होता है और उस महायोगी के ही योग की प्रक्रिया शुरू होती है। तो हमें यह सबसे पहले समझना पड़ेगा कि योग क्या चीज़ होती है और योग के माध्यम से हम कितने आगे बढ़ते हैं और कितना क्या होता है। चलते हैं योग के लिए समझने के लिए। यजुर् धातु से योग शब्द बना है, जिस योग शब्द का अर्थ होता है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही योग है। गीता श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कर्मों में कुशल होने का नाम योग है। योग संन्यास योग होता है। इसके उपरांत योग जो होता है, हमारे कई प्रकार के योग होते हैं, ज्ञान योग होता है, कर्म योग होता है, भक्ति योग होता है। आचार्य सामंतभद्र देव ने अपने स्वयंभू स्तोत्र नामक ग्रंथ में तीनों प्रकार के योगों की चर्चा की है और उन्होंने इस भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग के समन्वय करने का प्रयास किया है। योग के आठ अंगों में आसन सब ज़्यादा आज प्रसिद्ध कर दिया गया है, जबकि आसन एक अंग है योग का, आसन पूर्णता नहीं है। प्राणायाम भी एक अंग है, लेकिन सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये आठ अंगों में सबसे पहले यम आता है। यम में अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांच यम बताए गए हैं और ये 18 पुराणों में, जितने भी पुराण हैं उन सब पुराणों में इन पांच यम का वर्णन मिलता है, नियम का वर्णन मिलता है। आसन 250 प्रकार के होते हैं, प्राणायाम 50 प्रकार के होते हैं और धारणाएं होती हैं और प्रत्याहार होते हैं। इसके साथ साथ ध्यान और समाधि, ध्यान योग बहुत बड़ा योग है, लेकिन आज ध्यान योग के लिए जो है ना, लोगों ने ध्यान योग की दुकानें खोल ली रखी हैं और इन दुकानों के माध्यम से लोग ध्यान को चलाना चाहते हैं, लेकिन ये ध्यान सही ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान के शिविर नहीं लगाए जा सकते हैं, ध्यान की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। तो आओ हम आज जिस योग के अंतर्गत भगवान पार्श्वनाथ का दिगंबरों ने शांतिपूर्वक, सैकड़ों लोगों ने, बल्कि हजारों लोगों ने कल अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर का अभिषेक किया और ये भक्ति योग का एक बहुत बड़ा आधार बनता है, क्योंकि जब हम भक्ति की योग करते हैं तो पूजन करते हैं, आरती करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, अभिषेक करते हैं और भक्ति में हम भगवान के गुणों का आराधना करते हैं और परमात्मा का ध्यान करके हम भक्ति योग की पूर्णता करते हैं। ज्ञान योग के लिए और कर्म योग के लिए तीनों का समन्वय करके महत्वपूर्ण योग को बनाएं, सूर्य नमस्कार भी करें, आसन भी लगाएं और इसके साथ साथ अपना उत्तम स्वास्थ्य, आत्मा का भी बने, मन भी स्वस्थ बने और शरीर भी स्वस्थ बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत बहुत हमारे श्रोताओं के लिए मेरा आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
संस्कार सागर पंचपाल्यती इंदौर।